हाँ जी बच्चा, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू वन की सेशंस। हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबको पता है हमने लास्ट क्लास में बाय पार्ट्स पढ़ लिया था। बाय पार्ट्स क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लिकेशन इन इंटीग्रेशन। राइट, मल्टीप्लिकेशन रूल होता है। उससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ लिया था। फिर आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को छह आइडेंटिटीज करवाई थी, याद है? यस मैम। तो वो छह आइडेंटिटीज एक बार सब लोग क्लास शुरू होने से पहले, क्वेश्चंस करने से पहले एक बार गो थ्रू कर लो। मैं भी स्क्रीन पर लिख देती हूँ एक बार, तब तक बच्चे भी आ जाएंगे जो रह गए हैं। आई गेस फ्रेंड्स, थोड़ा ये ध्यान से देखना, ये सिक्स स्पेशल आइडेंटिटीज हैं, इनको रट लो। मैंने बोला भी था कौन सी सबसे पहली होती है? वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, वो किसके बराबर होती है? वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, याद आया? फिर दूसरी होती है वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो ये किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ, हाँ जी, एक्स माइनस ए प्लस सी, याद आया? थर्ड यस मैम। वन, वन अपॉन ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डी एक्स, वो किसके बराबर होती है? वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स प्लस सी, राइट? यस मैम। ठीक है, देन द फोर्थ वन इज, वन अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ग्रेट, फोर्थ वन इज वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये साइन इनवर्स होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। स्क्वायर प्लस सी, राइट? फिफ्थ वन इज इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये होती है बहुत सिंपल है, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए, हाँ जी हाँ, अभी शुरू है, प्लस सी। एंड द सिक्स्थ वन इज इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा? लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है? तो बच्चों, जिन जिन को ये, वैसे मैंने दो क्लासेस पहले आप लोगों को आइडेंटिटीज एक बार लिखवाई थी कि ये आइडेंटिटी सबको याद होनी चाहिए, ठीक है? अगर किसी को इसको प्रूफ करने का मन हो तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना और प्रूफ हो जाएगी, यस मैम। ठीक है? तो आज हम इन्हीं सिक्स आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों को ये तो पता चल गया कि ये छह अलग से फॉर्मूलाज है। अभी हमें ये सीखना है कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। क्लियर है? बेसिक्स टू हार्ड क्वेश्चन जाएंगे, बेसिक करेंगे, फिर इजी लेवल करेंगे, फिर मिडिल लेवल करेंगे, एंड देन वी विल हैव अ डिफिकल्ट लेवल। उसके बाद वही जितने लोग एक्टिव होंगे उनके साथ एक अच्छा सा सेशन रखेंगे, लास्ट वाला 15 मिनट, ठीक है जी? यस मैम। डन। ठीक है जी, नोटेड कर ली एक बार, अपने माइंड में सेट कर ली सबने? ओके, तो बच्चों शुरू करते हैं वेरी फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन से। अगर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मुझे ऐसा दिख जाए वन अपॉन फोर प्लस नाइन एक्स स्क्वायर डीएक्स, अगर कहीं मुझे ऐसी सब्स्टिट्यूशन आ जाए तो आपको क्लियरली देख के पता चल रहा है ना तो बाय पार्ट्स लगेगी ना ही इसमें मेरे पास क्या लगेगा, सब्स्टिट्यूशन लगेगी, और ना ही कोई और फॉर्मूला, तो डेफिनेटली आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी लगाने के लिए क्या करो, सबसे इजी वे क्या होता है? कुछ भी नहीं है, इसमें स्क्वायर कौन, टू का स्क्वायर प्लस थ्री एक्स का स्क्वायर डीएक्स, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगी? वन अपॉन ए वन अपॉन ए टेन इनवर्स, अरे वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस, ठीक है जी? तो इसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए आप लोग लिखोगे कि आपके पास बनेगा वन अपॉन ए कितना है, टू टेन इनवर्स, ठीक है जी, थ्री एक्स बाय टू।
अभी क्या 3x का भी 3 जाएगा बाहर? यस मैम, इसका 3 आ जाएगा प्लस c, तो आप लोगों के पास बना 1/6 tan इनवर्स 3x/3 2 प्लस c. क्या किसी को ये 3 में डाउट है? अगर है तो दूसरा तरीका, दूसरा आप बोल सकते हो कि 9 कॉमन निकाल लो, तो आपके पास 1/4/9 बना प्लस एक्स स्क्वायर बना, यानी कि 1/9 और आपके पास बन गया 1/2/3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है जी, अब लगा लो आइडेंटिटी. 1/9 बाहर है, 1/8 यानी कि 1/2/3 tan इनवर्स x/2/3 प्लस c, तो भी चलेगा. बताइए क्लियर है, किसी को भी डाउट है? हाँ सेकंड, अगर मैं आपको दे दूं कि अब आपके पास है 1/9x²-4dx, तो बताइए क्या करोगे, कौन सी आइडेंटिटी? वैसे ही लगेगी, a²-x²-2dx, तो x²-a² यानी कि 1/(x²-a²)dx, तो कौन सा लगेगा? 1/2a log of x - a/(x+a), ग्रेट, प्लस c. ठीक है जी, तो भाई क्या लगाएंगे? 1/2a यानी कि 4 log of 3x - 2, 3x+2, और 3 कहाँ आ जाएगा? नीचे डिवाइड में, यहाँ पे डिवाइड. तो आपके पास आंसर बना 1/12 log of 3x - 2, 3x+2 plus c. हाँ जी, किसी को भी डाउट है? हाँ जी, एनीवन? नो मैम, सबको क्लियर है? ठीक है, अगर अब मेरे पास आ जाए कि 1/4 मुझे इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट में 9 - 25x², तो अब कौन सी आइडेंटिटी लगी? साइन इनवर्स एक्स रूट 1x²-x² 1/√a²-x², तो दैट मीन सीधा 0 और 0 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए लगा. बोलो बच्चों. यस मैम. साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी, और इसका 5 तो आगे आएगा ही आएगा. बोलिए क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम. ओके चलो एक और. 1/√ 4x²-9dx 1/2a log x - a. नहीं दिया था अर्चना ने, नहीं दिया था, दिया था. ओके मनप्रीत ने भी नहीं दिया था. मैं आपको शेयर नहीं किया था, बस दिया तो. मैम आप 5 मिनट वाला रीकैप कह रहे हो क्या? नहीं नहीं ये अभी अभी जो टेस्ट हुआ था संडे को. मैम इससे पिछले सर दिखाना एक बार. हाँ जी मैम. आप 4 into 3 कैसे आ गया अपॉन में? ओके सत्यम ये 3x का 3 इसका 3 डेरिवेटिव नीचे जाता होता है ना कोफिशिएंट. ओके मैम. हाँ जी इसको कैसे करेंगे बच्चे? 1/2 log 2x - 4x² मतलब अंडर रूट. ये अंडर रूट में है, ये सीधा बनेगा 1 log ये पूरी टर्म 4x प्लस अंडर रूट 4x² - 9 और इसका 2 नीचे जाएगा प्लस सी. यही तो बोला मैंने. अच्छा यही बोला था. बच्चे इसको दूसरे तरीके से करो, अगर आप लोगों को स्टिल ये नहीं पता चल रहा 2 कहाँ से आ रहा है.
तो ये देखो 2x को t पुट कर लो, 2dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के, यानी कि dx किसके बराबर हो गया 1 अपॉन 2 dt के। तो आप लोगों के पास 1 अपॉन 2 1 अपॉन अंडर रूट t स्क्वायर माइनस 9 बना और dt बन गया। क्लियर है बच्चों? दैट मींस 1 अपॉन 2 log ऑफ आपके पास बन गया t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर माइनस 9 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे सत्यम? यस। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कहाँ रह गए थे प्रेमा जी? मैम बाहर थी अभी, जस्ट आई हूँ। ओके लीजिए बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्यों हो जाएगा log x plus root a square plus x square। अच्छा वो कैसे होगा, डेरिवेटिव बन रहा है क्या? नहीं मैम वो फॉर्मूला लगा है, अच्छा root नहीं है। फॉर्मूला लगा है? हाँ बिल्कुल राहुल, राहुल ग्रेट। x 4 plus 1 minus 1 divided by x square plus 1 dx। ठीक है जी, अब आप क्या करोगे, x की 4 minus 1 को इकट्ठा कर लो, plus 1 को अलग कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ये स्प्लिट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्या कहते हो? यस मैम। ये क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो बचा एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स क्यूब बाई थ्री आएगा अभिनव, सत्य माइनस एक्स बचेगा, सुमेश ये टेन इनवर्स एक्स बन जाएगा एंड प्रेरणा प्लस सी लगा देंगे, तो ये फाइनल आंसर बनेगा कि नहीं? अब मेरे को कोई बोलने वाला मैम, मुझे कैसे पता चलेगा प्लस वन करना है माइनस वन करना है? क्या कोई ये भी सोच रहा है? अब तो पता चल गया कब करना है। मनप्रीत बता, सोच रही है? नो मनप्रीत, टेस्ट दिया था मैम? ये दिया था लेकिन बीच में नेटवर्क इशू हो गया था, इस वजह से पूरा जो टेस्ट था ना वो मतलब लैपटॉप ही शॉर्ट हो गया था। ओके तो बच्चे जब भी ये देखो कि ऊपर डेरिवेटिव नहीं बन रहा, क्लियर है, ऊपर वन भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, या तो आप लॉन्ग डिवीजन लगाओ या फिर ये देखो कि कुछ प्लस माइनस करने से बात बन रही है। लॉन्ग डिवीजन कैसे लगाएंगे सत्यम? एक्स की पावर फोर को अंदर रखा, एक्स स्क्वायर प्लस वन को बाहर रखा, एक्स स्क्वायर पे जाएगा पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करा ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर बना और ये माइनस वन पे जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, प्लस करा ये गया वन, तो आपको पता चला कि किसके, ये आपका क्या आ गया क्वेश्चन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस रिमाइंडर अपॉन क्या होता है ये, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो अब इंटीग्रेट बताओ बन गया सीधा। बस इसी स्टेप को बचाने के लिए हम लोग ये प्रैक्टिस कर लेते हैं प्लस वन माइनस वन, अदरवाइज ये यहीं से आया। क्लियर? यस मैम। ओके ग्रेट। अच्छा ये बताओ किस किस को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आता है? बता दो मैम, भूल गए। जो क्लास टेंथ में लॉकडाउन में कट गया था वही मेथड? यस मैम। तो अभी ये मेथड का बहुत यूज होगा, मैं क्वेश्चन लिखती हूँ फिर देखेंगे कैसे बनाना है। जिसको नहीं समझ आए 10 बार पूछ लेना, बट ये समझ आ जाए पहली प्रॉब्लम भी, चाहे बार बार पूछते रहना, जिसको आता है दैट्स ग्रेट। देखो मान लो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 है बच्चों, इसको मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, यानी कि मेरे पास अंजलि होल स्क्वायर कंप्लीट होना चाहिए, राइट निर्भय? यस मैम। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखा कितना हुआ, 4 है। यस मैम। तो सेकंड में क्या सोचो, हाफ द कोफिशिएंट, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कितना हो गया, 2 बच गया। यस मैम। तो
इस टू को मान लो ये ए है, तो स्केयर दिस स्केयर ए एड एंड सब्ट्रैक्ट। क्लियर है बच्चों? अब देखो ध्यान से, अब आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, चार ऐड किया, आठ एज इट इज है माइनस चार कर दिया, प्लस वाला मैं साथ रखूंगी, नेगेटिव वाले को पीछे कर दूंगी, नेगेटिव पीपल मुझे पसंद ही नहीं है। तो ये क्या बन गया, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर बन गया। यस मैम। और ये प्लस फोर बन गया। क्या इसमें कोई डाउट है? मान लो कि मैं इस क्वेश्चन को ऐसा दे देती कि वन अपॉन है, इसको इंटीग्रेट करो, तो जाने की ये वाली चीज आनी जरूरी थी। तो फाइनली आपके पास क्या बना, वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स। क्या बताओ, क्लियर है? Yes, तो ये बच्चे कौन सी आइडेंटिटी बनी, ये दिख रहे हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस टू बाई टू प्लस सी। जिसको डाउट है बेझिझक बिना शर्माए पूछ लो। मैम ये आपने कंप्यूटिंग स्क्वायर का मेथड सिखाया है? जी जी जी, मैंने ये वाला जो करा ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था ए बनाने के लिए, क्योंकि अब ये जब वन अपॉन, अब ये कौन सी टाइप की इंटीग्रेशन है, जब वन अपॉन क्वाड्रेटिक होगी, चाहे वन अपॉन क्वाड्रेटिक हो और चाहे वन अपॉन अंडर रूट में क्वाड्रेटिक हो, तो आपको पता चल गया कि जब ऐसा दिखेगा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये छह आइडेंटिटीज है जो मैंने आज पढ़ी। ये क्लियर? हाँ जी बच्चों बताइए। यस मैम। तो ये दोनों टाइप्स लगाने के लिए मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब इंटीग्रेशन में ये जो मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि अगर किसी ने टेंथ में सपोज करो कर भी रखा था, अगर मैं टेंथ में पढ़ाऊं तो मैं भी कराऊंगी, अगर कर भी रखा था लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन हमें नहीं पता थी कि इंटीग्रेशन में कैसे होगी, तो उस चीज को माइंड में रखेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। रेडी? यस मैम। ठीक है, तो मान लो बच्चों मेरे पास अब है वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस 34 डीएक्स। क्लियर है? तो मैं देखती हूँ दीपांशु, सबसे पहले मुझे क्या देखना है? मैम कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? 10 माइनस 10। हाँ जी, उसके बाद सत्यम उसका क्या करना है? मैम स्क्वायरिंग हाफ करके स्क्वायर। हाफ करा 5, 5 का स्क्वायर कितना आया मंत्री? 25। ऐड भी करना है सब्ट्रैक्ट भी करना है। ऐड अपने पास रख लो, नेगेटिव वाले को दूर कर दो, तो ये 25 रखा, ये 25 दूर कर दिया। ठीक है जी, तो वन अपॉन, आप लोग भी ऐसे ही करते होगे ना, आपका कोई रोता रोता सा रहता हो, अरे यार मेरे को तो टेस्ट आता नहीं, आप बोलोगे यार तू पर आओ जाओ रहन दे, ऐसा बहुत लोग करते हैं, है ना? तो फिर कौन सी आइडेंटिटी लगी? 10 वाली। तो 1 अपॉन 3 10 इनवर्स x माइनस 5 बाय 3 प्लस c। अब जिसको डाउट है पूछ लो, रेज योर हैंड, क्योंकि सिंपल सी बात है अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं लगेगा तो ये क्वेश्चन होगा ही नहीं। एग्री है अंजलि? यस। दीपांशु? यस मैम। अगर ये कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं आता होगा, आइडेंटिटी याद नहीं होगी, तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देती हूँ, मैं देखूंगी सबसे पहले आंसर कहाँ से मिलता है। वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 dx।
1 by 2 tan inverse x plus 3 by 4 plus. Okay. Ma'am, 1 by 5 tan inverse x plus 3 by plus 3. X plus 3 by 2. 1 by 2 tan inverse x plus 3 by 2. 1 by 2 tan inverse x plus 3 by 2 plus c. Or still waiting. Ma'am, 1 by 2 tan inverse x plus 3 by 2 plus c. ठीक है, तो आप लोगों ने यही करा होगा, x square plus 6x, इसका half 3, उसका square 9 add करा, तो 9 ही minus करा, right? ये बन गया होगा x plus 3 का whole square check करना, और plus 4, तो बना तो 10 ही है, तो 1 upon 2, 10 inverse x plus 3 by 2 plus c. ये कितने लोगों, maximum लोगों का यही answer सुन रहा था मुझे. मैं 3 होगा. Yes, ma'am, यही आया. Yes, ma'am. अर्चना का कुछ वेरी करा था. मैम मैंने गलती से 1 by 5 लिख दिया था, उससे ऐड कर दिया है. हाय तस्लीम, तस्लीम आज आपसे बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई, कहाँ थे आप? अब कई बच्चों के मन में ये डाउट चल रहा होगा, क्या मैम सब 10 इनवर्स के गुणते हैं क्वेश्चन, ऐसा भी सोच रहे हो? यस मैम, बनते हो. अब देखो, अगर आपके पास ऐसा दिख जाए 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 dx, तो कैसा करेंगे? इसमें 2 कॉमन लेना पड़ेगा x स्क्वायर बनाने के लिए. तो 1 बटे 2 बाहर, 1 अपॉन x square minus x by 2 minus 1 by dx, है ना? Same method, इसका coefficient 1 by 2, उसका half 1 by 4, उसका square, जाने की 1 upon 16 add कर दो, 1 upon 16 minus कर दो, क्या कहते हो? 1 upon 2 बाहर, 1 upon x minus 1 upon 4 का whole square, और ये कितना बनेगा? 9 ना, तो minus 3 by 4 का whole square. तो कौन सी identity लगी, x square minus a square वाली? बच्चों हाँ जी बोलिए, तो क्या बन जाएगा? 1 by 2 a log x, 1 upon 2 as it is, फिर 1 upon 2a, यानी कि 1 upon 2 into 3 upon 4, फिर log of x minus 1 upon 4 minus 3 upon 4 divided by x minus 1 upon 4 plus 3 upon 4 plus c, क्या कहते हो? बात बन गई? बनी? Yes ma'am. Yes ma'am. ठीक है, अभी अभी देखो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे आगे, जैसे कि मैंने बताया था. अभी आपने 1 upon वाली क्वाड्रेटिक पढ़ ली, अब पता है क्या करेंगे? अब अपन जो करेंगे, अब इसी टाइप को सब्स्टिट्यूशन प्लस क्वाड्रेटिक दोनों को मिक्स कर देंगे. ठीक है जी, रेडी? तो अगर मुझे दे रखा है कि आपके पास है, मान लो e की पावर x डिवाइडेड बाय e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर x प्लस 5 dx, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले e की पावर x को पुट करेंगे t, तो e की पावर x dx किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? dt के. तो ये क्या बन जाएगा? dt t स्क्वायर 60 प्लस 5. क्या इस क्वाड्रेटिक को सब सॉल्व करके फटाफट बताएंगे?
साइन इनवर्स ई एक्स प्लस थ्री बाई टू। हाँ जी सबका आंसर आ गया। इसका आप थ्री थ्री का स्क्वायर नाइन, यानी कि मुझे प्लस नाइन माइनस नाइन करना है, तो एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर बना माइनस फोर बना ना। यस यस। तो आप लोगों के पास वन अपॉन टू ए वन अपॉन फोर लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री माइनस फोर, एक्स प्लस थ्री प्लस फोर बच्चों। बताइए। यस मैम। सही है मैम। मैं ना हमेशा है ना रूट वाला फॉर्मूला लगा देती हूँ। गड़बड़ हो गई, फोर था तो यहाँ टू आएगा, फिर यहाँ पे भी टू आएगा प्लस सी। तो आप लोगों के पास बना वन अपॉन फोर लॉग ऑफ एक्स की जगह टी था और टी की जगह ई की एक्स प्लस वन ई की एक्स प्लस फाइव प्लस सी। क्या सबको क्लियर है? किसी को भी डाउट है? नो। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखने में आपको लगेगा अरे क्या करना है, वन अपॉन एक्स और आपके पास है सिक्स ऑफ लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस सेवन लॉग एक्स प्लस टू डी एक्स। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे रही हूँ, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। सेकेंड इज इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स एक्स की पावर फाइव प्लस वन डी एक्स। टेक योर टाइम, एटलीस्ट दो तीन मिनट ले लो, बिल्कुल भगाना नहीं है। तो कितने लोगों से बन गया? मानसी एक्टिव और नॉट? शाहनवाज जी क्या हाल है, बन रहे क्वेश्चन या नहीं? ग्रेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पहले ही बता रही हूँ, मतलब इसमें मजाक नहीं समझ सकते, क्योंकि इसके बाद तो इंटीग्रेशन ऐसे लगेगा आपको ऑलमोस्ट एंड होने वाली हो जाएगी। ये देखो मेरे पास जो ये लिस्ट है ना बैचेस की, इसके हिसाब से तो मोहम्मद तस्लीम तस्लीम ओके हो गया जी, डन कर रहे हैं, होने वाले। कौन कौन ट्राई कर रहा है? सात लोग हैं बस। लो जी आंसर आ गया एकता का, आठ हो गए।
नो जब 36 के 36 हैंड रेज हो जाएंगे ना तब मजा आएगा. ओके देखो पहले वाले क्वेश्चन में एक चीज दिख रही है, जब हमने सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस करी थी ना हमने बात करी थी कि जब वन अपॉन एक्स दिखता है और लॉग एक्स दिखते जाने के एक दूसरे के एंटी एंड डेरिवेटिव है. यस मैम. यस तो पुट करा होगा लॉग एक्स को. यस मैम. टी तो ये आपके पास डीटी और ये आपके पास बन गया 6 टी स्क्वायर प्लस 7 टी प्लस 2. यस मैम. ठीक है. अब इसको करने के लिए क्या करोगे? इसके लिए तो वही 6 कॉमन निकालना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है. कैलकुलेशन लंबी हो रही है ना इसकी. 1/6 कॉमन निकाला, कोई कैलकुलेशन लंबी नहीं होती. dt t स्क्वायर प्लस 7/6t, यहां जगह मैं पहले छोड़ लेती हूं, प्लस 2, इसका हाफ 12, उसका स्क्वायर यानी कि 49/144 ऐड करा और वही 149/144 सबट्रैक्ट कर दिया. हां जी मैम, 2/6 भी तो आएगा ना. क्या आएगा? 2/6. ठीक है जी. अब ये आपके पास बन गया t माइनस 7/12 का होल स्क्वायर, क्या कहते हो t प्लस, और इसको जब सॉल्व करा होगा तो ये 1/4 कितना बन रहा है? 144 को ये 3 है ना, 3, इसको 3 से डिवाइड करा, 3 4 12, 3 8 48, माइनस ही बचेगा एक. यस मैम, माइनस. तो माइनस 1/12 का स्केयर जाने की 6144 आ जाएगा इसका स्केयर. अब बना लो, बन जाएगा. अरे दूसरा कैसे करा हम? जो 1/x था उसको क्या करा? कौन सा 1/x मैम? इसमें था ना क्वेश्चन में 1/x अपॉन जिसके ऊपर वो मैंने ऐसे अमीबा सा बना दिया. यस मैम. अरे log x को पुट कर रहे हैं, 1/x dx dt. यस मैम, मैंने फिर x की वैल्यू निकाली थी, e की पावर t आ गया. बस अपन ने तो अर्चना हमें पता है कि log x दिख गया और 1/x दिख जाए तो पुट कर दो. अगला बताओ कैसे करोगे? क्या करा था इसके साथ? पुट तो किसको ही करूं, एक एक्स एक एक्स की पावर 5 है ना, वो उसका डेरिवेटिव है ना कुछ है. जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, एक जनरल स्टेटमेंट है कि जब 1/x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 दिखे ना बच्चों, दिख रहा है? Yes, ma'am. n माइनस 1 से मल्टीप्लाई और x की पावर n माइनस 1 से डिवाइड कर दो, यानी कि यहाँ पे x की पावर 4 और यहाँ 5 करते हैं. क्या आप क्लियर है? अब x की पावर 5 को पुट करेंगे तो आपको पता चल गया 1/5 आ जाएगा, dt बन जाएगा, नीचे t इंटू टी प्लस 1 बन जाएगा. क्लियर मैम? फॉर्मूला कौन सा लगाया दोबारा बताना एक बार. फॉर्मूला नहीं लगाया, इसको करने का ट्रिक है. ये क्या ट्रिक है कि आप x की पावर 4 से जब देखो ना कि ये n नहीं है मेरे पास, अभी ब्लू वाला नहीं है जो मैंने करा है, इसमें जब ऐसी टाइप दिख जाए कि एक अंदर x की पावर n प्लस 1 है और बाहर सिर्फ x है, ऐसा दिख जाए तो इसकी पावर को n बनाना है जितनी अंदर है, तो रेस्ट पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड करा. जैसे यहाँ पे 5 था ना डियर. Yes, ma'am. क्या 1 था तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 वाली पावर से डिवाइड कर दिया और x की पावर 5 को t पुट कर दिया. ठीक है मैम, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए. नहीं वो तो उधर जाएगा ना, देख 5 x की पावर 4 dx dt, तो x की पावर 4 dx कहाँ जाएगा? 1/5 dt नहीं हो जाएगा? यस मैम. ओके मैम. ठीक है, अभी आपके पास क्या बना है? 1/5 इंटीग्रेशन डी टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस टी. ठीक है, इसका कोफिशिएंट 1, उसका हाफ हाफ, तो 1/4 ऐड कर दो, 1/4 माइनस कर दो. ठीक है,
क्लियर है? तो 1/5 बाहर डी टी, और आपके पास बन गया टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। बताओ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर। यस मैम। तो टाइप समझ आ गई? यस यस मैम। डाउट यहाँ तक? बढ़ू आगे? अब देखो, अगर आपके पास दिख जाए 1/sin x + sec x dx, अब कैसे करेंगे? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। हम secant को 1/cos लिखेंगे। ओके, एलसीएम ले लोगे? हाँ जी विकास जी बताइए। क्या करोगे बच्चों? देखो आप लोगों ने बोला कि 1/cos लिखेंगे, तो आप लोगों के पास ये अल्टीमेटली कैसा दिखेगा? ऊपर cos x चला जाएगा, नीचे 1 + sin x cos x बनेगा। हम फिर 1 को sin square plus cos square लिख देंगे। अभी रुक जा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, क्या कोई स्टेटमेंट को फर्क पड़ा? तो मैम अब आपके पास 2 cos x है, यानी कि इसको अपन cos x प्लस साइन एक्स कर ले, और इसी को अपन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कर ले, कोई फर्क पड़ेगा? साइन एक्स ऐड करा, साइन एक्स माइनस करा बच्चों, और इसके नीचे ये जो 1 + ये आपका है, इसको आपने लिख लिया 2 + 2 sin x cos x, ठीक है जी, और इसको मैंने लिख लिया 2 + 2 sin x + cos x, ठीक है बच्चों। अब देखो, अगर इसको मैं 1 + 1 + 2 sin x cos x लिखती हूँ, ध्यान से देखना, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि 1 + ही आपके पास बन जाएगा sin x plus cos x का होल स्क्वायर। एग्री? तो इसको अगर पुट टी करोगे, इसका डेरिवेटिव है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन एक बार वापस रिपीट कर दो। हाँ ध्यान से देखिए, आपके पास क्या था? आपके पास 1/sin x + sec x था। आपने बेसिक स्टेप इसको करा कि इसमें अगर साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे तो ये कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 1 बनेगा। क्लियर है? यस मैम। अब मैंने इसमें क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा, तो मेरे पास ये स्टेटमेंट बन गई। यस मैम। 2 cos x है, इसको मैंने cos x plus cos x लिख लिया, उसमें sin ऐड कर दिया, sin माइनस कर दिया। क्लियर मैम? ये जो नीचे लिखा है आपने, जो ग्रीन कलर वाला, ये तो 2 + 2 sin x into cos x ना, मल्टीप्लाई चल रहा है सब। तो मैंने 2 को 1 + 1 लिख लिया, और मुझे पता है हम लोगों ने पढ़ा था 1 + 2 sin x cos x यहाँ दिख जाए, वहां क्लियरली विजिबल है कि ये क्या है, ये cos x plus sin x का होल स्क्वायर है या नहीं। तो इसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, ये क्वेश्चन पढ़ा है, ये इसका डेरिवेटिव पढ़ा है, लेकिन दूसरे वाले में प्लस का डेरिवेटिव है, मींस अपने जो नीचे क्या बनाना है, माइनस का बनाना है बच्चों। क्लियर? तो क्या मैं इसको 3 - 1 + 2 sin x cos x लिख सकती हूँ? 3 बाहर माइनस कॉमन, तो 1 - 2 sin x cos x लिख सकती हूँ या नहीं? 3 बाहर, तो ये क्या बना, ये अब जो चाहिए था sin x minus cos x का होल स्क्वायर बन गया बच्चों। अब इसको पुट करेंगे तो ये इसका डेरिवेटिव पड़ा है। बोलिए क्या चांद चमका? यस मैम।
आगे तो हो जाएगा, आगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो मैम। राहुल, स्वमेश, विकास, मनप्रीत, शाहनवाज, इकरा, सैयद इकरा है ना क्लास में? ग्रेट। चलो इसके रिलेटेड आपको एक प्रॉब्लम और देती हूँ, ट्राई करना। कॉस एक्स प्लस कोसेकेंट एक्स डीएक्स। हाँ जी बोलिए। मैम ये भी पहले वाले की तरह ही होगा। हाँ वैसे ही होगा, बस इसके ऊपर साइन चला जाएगा, तो वही कॉस ऐड कर देंगे, कॉस माइनस कर देंगे। क्या करते हो, कर लोगे? यस मैम। यस मैम। यस मैम हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये एक क्वेश्चन देने का तरीका था कि हाँ मतलब ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अगर ये हमने ट्राई नहीं करा था तो स्ट्राइक भी नहीं करेगा। क्या कहते हो? Yes, ठीक है, अभी अगली टाइप पे चलते हैं। अभी हमने 1 अपॉन क्वाड्रेटिक वाली टाइप करी है, तो अगर मुझे कहीं ऐसा दिख जाए 1 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 8 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो अपन क्या करेंगे? अभी ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो बच्चे ध्यान से देखो क्या करोगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करना होता है, क्या कहते हो? यानी कि मैं इसको 1 अपॉन अंडर रूट में माइनस कॉमन ले लूं, yes, ma'am. ये नेट पता नहीं हम क्यों नहीं बचाते। माइनस कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस 9, ठीक है जी। इसका हाफ 4, उसका स्क्वायर 16, और 16 ही माइनस कर दिया बच्चों। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि स्टेप्स को स्किप करना सीखो। तो ये अंडर रूट लिया, मुझे पता है कि 625 नेगेटिव आ रहा था, तो पॉजिटिव का हो जाएगा, और मेरा क्वाड्रेटिक जो था वो x माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्या ऐसा ही बनेगा? Yes, ma'am. Inverse x minus 4 by 5. मुझे तो बोल नहीं देती, तो वन अपॉन ए तो आएगा नहीं, इसने आइडेंटिटीज अच्छे से याद रख रखी है, तो सीधा बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस 4 बाय 5 प्लस, आई लाइक इट। ठीक है जी, चलो बताओ बनी बात। आज इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन में नहीं बोल रही मैं, क्या बोल रहे हो? मुझे मुझे अच्छा लगता है, वो तो मैं ऐसे ही बच्चों को ना मजाक करना बच्चों से अच्छा लगता है। अब मेरे को चुप रहना अच्छा नहीं लगता कि किसी बच्चे ने कुछ बोल दिया तो मैं चुप हो जाऊं। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 dx। हां जी रेडी? यस। 2 को अंदर ही कॉमन निकाल लो। यस मैम। चलिए फटाफट। बस अंदर ही कॉमन निकाल लो, बाहर लेके आने की जरूरत ही नहीं है। जब 1 अपॉन रूट 2 अगर करना भी है तो कर दो। तो 1 अपॉन ये कितना बनेगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2 एक्स और माइनस 1, इसका आधा 3 बटे 4, उसका स्क्वायर 9 बटे 16 जोड़े 9 बटे 16 माइनस कर। क्या कहते हो? तो 1 अपॉन रूट 2 बाहर, इंटीग्रेट 1 अपॉन रूट, और आपके पास क्या बन गया? x प्लस 3 बाय 4 का होल स्क्वायर, 16 और 25, तो माइनस 5 बटे 4 का होल स्क्वायर। क्या कहते हो? तो 1 बटे रूट 2, ये लॉग वाली लगेगी? यस मैम। लॉग ऑफ x,
एक्स प्लस थ्री बाय फोर प्लस अंडर रूट में जो मैम वो तो सेम ही लिख देंगे, हाँ एक्स प्लस थ्री बाय फोर का होल स्क्वायर माइनस पांच बटे चार का होल स्क्वायर प्लस सी, क्या कहते हो? बनी आइडेंटिटी क्लियर हुई? किसी को यहां तक कोई डाउट है? बोलिए बच्चों। नो मैम। ठीक है, अब इसी के बीच में देखो फॉर्मूला नया नहीं है, क्वेश्चन का टाइप चेंज हुआ है। अब पता है क्या करोगे? अब देखो आप लोगों का इससे अपने टेस्ट नहीं है, कल आप लोगों को सर पार्शियल फ्रैक्शन कराएंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा मैंने आप लोग अपना मॉड्यूल लगाना। मॉड्यूल सही कर दिया मतलब आपने पूरा अपलोड? मैं अभी कर देती हूँ, लास्ट वाला लिंक को पढ़ा मेरे पास, लिंक ही ऐड करने में कर देती हूँ। मेरे को लगा सब बच्चों ने बोला था कि उनके पास ऑफलाइन है। e की पावर 2x dx कैसे करेंगे? ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये e की पावर x का होल स्क्वायर हो जाएगा, t लेट कर दिया। e की पावर x को t पुट करो ना पहले, ऊपर ही पड़ा है। e की पावर x dx dt तो कितना बना? dt अंडर रूट 4 माइनस t का स्क्वायर। अब बन जाएगी आइडेंटिटी? यस मैम। यस मैम। ग्रेट। हम क्वेश्चंस कब दोगे? अभी दे रही हूँ, शुरू करने लगी हूँ। आज मुझे बहुत सारी टाइप्स को करना था, सारे मतलब आइडेंटिटीज तो वही है। चलो क्वेश्चंस में शुरू करते हैं, ठीक है? रेडी? मैम पिछली क्लास के लोगे 15 मिनट वाले, अभी जो कराई ये वाले इसी के मिक्स होंगे, मिक्स मिक्स आज से शुरू करेंगे। पिछली वाला तो गया था। अच्छा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलो। ठीक है, तो ऐसा करते हैं सीरियल नंबर में उठा लेते हैं, जो बच्चे लेफ्ट कर जाएंगे कर जाएंगे। रेडी? मेरे को सीक्वेंस में बोलना शुरू करना, लिस्ट नेम ऑफ द लिस्ट। ठीक है जी, सबसे पहले मानसी का नाम आता है। वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डीएक्स, मानसी। ठीक है जी, सेकंड पे किसका नाम आता है? मानसी तो एम से है ना, तो लास्ट में होगा। नहीं, वो फोर फोर मानसी आता है ना, बेसिस पे। मैम क्या बताया आपने? जो आप लोग अपने उसमें आपको लिस्ट नहीं दिखती है कौन कौन से बच्चे हैं? मेरा है मैम। चलो एक सीक्वेंस ईमानदारी देखती हूँ आज फिर से। चलिए दूसरा क्वेश्चन है अभिनव के लिए, वन अपॉन वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर डीएक्स। थर्ड क्वेश्चन है सत्यम के लिए, वन अपॉन अंडर रूट टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन डीएक्स। ठीक है जी, फोर्थ क्वेश्चन है मेरे पास अर्चना के लिए, ए की पावर एक्स अंडर रूट वन माइनस ए की पावर टू एक्स डी एक्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है सोमू के लिए, टू एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर फोर डी एक्स। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज साइन टू एक्स कॉस टू एक्स अंडर रूट में 9 माइनस कॉस की पावर 4x dx राहुल के लिए। ठीक है, फिर 1 अपॉन x की पावर 2 बाय 3 अंडर रूट में x की पावर 2 बाय 3 माइनस 4 dx दीपिका के लिए। 1 अपॉन x x की 6 प्लस 1 dx निर्भय के लिए। ओके मैम, मेरा ये 2 बाय 3 वाला है ना? जी 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 जी। नेक्स्ट वन इज एकता, वन अपॉन अंडर रूट एक्स की पावर फोर प्लस ए फोर डी एक्स, राइट बच्चो? क्लियर है? बस हो गए, कोई रह गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अपॉन 3x square plus 13x plus 10 किसके लिए? माइनस 10 कौन है? ओके शाहनवाज, ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4x² - 4x + 3। विकास विकास इज देयर और विकास से चला गया होगा। तस्लीम तस्लीम दिस इज फॉर यू। ओके अंजलि अंजलि आपका क्वेश्चन है 1/(x²-x+1)dx। नोटेड सबने अपना अपना क्वेश्चन नोट कर लिया। कोई रह गया? ओके प्रियांशी प्रियांशी आपके लिए क्वेश्चन है इंटेग्रल ऑफ 1/(4x²+12x+5)dx। नाउ हु इज देयर? ऋषिका ऋषिका 1 × log x dx। साक्षी इज देयर? छाया 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 आर यू देयर? 2x³/4+x⁸dx। हाँ जी नेक्स्ट अब जिनको नहीं मिला वो हैंड रेस करो। ओके पूजा पूजा आपका क्वेश्चन है e^-x 16+9e^-2x dx। अच्छा दीपांशु मुझे लगा तुझे नहीं करना। ऐसा क्यों? मेरे को लगा चल तो रेस्ट कर रहा होगा। 1/(x√)(log x²-5dx)। हाँ जी अब कौन बचा? मैम आप बच गए। आपने बहुत सारे किए। हाँ जी कोई और रह गया हो तो बताइए अपन लिस्ट चेक कर लेते हैं। पूजा को तो दे दिया मैंने। मानसी को मिल गया। अभिनव अर्चना अंजलि आजाद कुमार आजाद जी आर यू देयर? यस मैम। तो आजाद फॉर यू क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 16+10² x dx। बस 5 मिनट डिस्कशन करना शुरू करूंगी। दीपांशु छाया दीपिका एकता हिमांशी मयंक इनका इनको नहीं असाइन हुआ। प्रभात रश्मि है ना ये 3 बच्चों को नहीं दिए ना। हिमांशी आर यू देयर? प्रभात रश्मि तो बच्चों रेडी? Yes, ma'am. So, very first, Mansi. Mansi, are you ready? I'm waiting क्योंकि मेरे को सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। फटाफट बोलते जाओ। सेकंड किसका था? मेरा अभिनव। अभिनव हाँ जी अभिनव बताइए। 1/2 tan inverse 2x + 6। 1/2 tan कैसे लगेगा अभिनव इसमें? tan ही होगा ना। ये आइडेंटिटी चेंज हो गई ना चेक करो। ये कौन सी आइडेंटिटी लगी? 1/√(a²+x²) वाली बन गई ना। तो ये शायद 1/2 log of 1 plus under root
वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सी लगना था। हाँ जी बताइए, जिन्होंने करा क्या यही होना था? यस मैम। सेकंड, थर्ड किसका था? मैम मेरा भी हुआ नहीं, मैम गलत हो गया था। कौन है? सत्यम। सत्यम, हाँ जी सत्यम, कर रहे हो अभी? यस मैम। ओके नेक्स्ट फोर्थ। मैम मेरा था। मैम log x का इंटीग्रेशन x log x होता है क्या? कहाँ पहुंच, कौन है? अर्चना। यस मैम, मैंने a x को t पुट करा तो उसका वो आया log x अपॉन में 1 माइनस t स्क्वायर। a x को t पुट करा तो a x log a बना होगा ना, dx dt, तो 1 अपॉन log a बाहर आया होगा dx। तो इसमें भी यही वाली आइडेंटिटी लगी होगी, और कौन सी, a से माइनस x स्क्वायर वाली। हाँ तो साइन इनवर्स वाली, वन अपॉन ये आ गया साइन इनवर्स x अपॉन a, यानी कि a की पावर x अपॉन वन प्लस c। मैम लेकिन मेरा ये वन अपॉन log a नहीं लिखा, मैंने x log x लिखा। तो मतलब गलती कर गया ना, आपको ये डेरिवेटिव ध्यान से देखना है। मैम ये जो सेकंड क्वेश्चन लिखा है आपने, ये जो लॉग के अंदर 2x नहीं आएगा, आपने 1 प्लस लिखा है, ये 1 ही है मैम, फिर वो तो x प्लस होता है। अच्छा अच्छा, यहां बैठे 2x, राइट राइट। हां जी बताइए, फिफ्थ किसका है? यस मैम, सोनू। साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट 5 प्लस स्क्वायर को पहले t पुट करा आपने। यस मैम, फिर इसका डिफरेंशिएट कर 2x dx dt के इक्वल आ गया, माइनस t स्क्वायर बना, फिर माइनस कॉमन निकाला होगा ना। यस मैम। ठीक है सर, नेक्स्ट सिक्स किसका है जी? ओके नेक्स्ट सेवन किसका है? ये दीपिका का लग रहा है। यस मैम, मेरा ही है। मैंने इसमें जो ये x की पावर 2 बाय 3 है, इसमें मैंने x की पावर 1 बाय 3 पे होल स्क्वायर को t पुट करा, तो आंसर आएगा 1 upon 3 sin inverse x की पावर 1 by 3 upon 2। तो बच्चे x की पावर 1 upon 3 को t पुट करा, ठीक है जी, इसका डेरिवेटिव 1 upon 3 बाहर, x की पावर minus 2 upon 3 dx बन गया dt, ठीक है। तो ये पूरा डेरिवेटिव बन गया, तो 3 उधर जाएगा, तो 3 ऊपर आ गया आपके पास dt, और नीचे आपके पास बन गया अंडर रूट t स्क्वायर माइनस 4, ठीक है बच्चों। अब आइडेंटिटी लग जाएगी। एट्थ किसका था? मैम निर्भय। निर्भय मैम, 1 अपॉन 7 log x 2 x 7 minus 1 2 x 7 plus 1। तो ये तो बहुत इजी होगा ना, 5 से मल्टीप्लाई, x की पावर 5 से डिवाइड है ना निर्भय। मैम x की पावर 6 आएगी ना नीचे। हां नीचे है ना। यस मैम, उससे हो गया। ओके नेक्स्ट नाइन्थ। एकता का है, हाँ जी एकता ने आंसर भेज दिया। एकता x स्क्वायर को t पुट करा होगा, राइट। ग्रेट। 10 शानवाज, हुआ बच्चे? मैम अभी नहीं हो पाया। नहीं हो पाया शानवाज, सबसे पहले 3 को कॉमन लिया होगा। यस मैम। तो 13/3 बना होगा, अगर अपन इसको यहाँ पे करें, आपके पास 1 upon 3x square plus 13x, 13x और minus 10 बना, मैंने 3 कॉमन लिया तो 3 कट गया, इसके नीचे भी 3 आ गया, इसके नीचे भी 3 आ गया, इसके कोफिशिएंट का हाफ 13/6, उसका स्क्वायर यानी कि 169/36 ऐड करा, 169/36 माइनस करा। मैम ये कैसे हुआ? ये कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाया ना। अभी हमने आज पढ़ा ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड शानवाज, ये सबसे पहले इसका कोफिशिएंट 3 कॉमन निकाला, तो इसका जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करा 13/6, उसका स्क्वायर 169/36, सेम नंबर ऐड कर दिया, सेम माइनस कर दिया, तो ये आपके पास x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस 36 एलसीएम ले लो तो 12/3 का होता है,
तो 120 माइनस 169 बन जाएगा, क्लियर? ओके मैम। ओके तस्लीम। यस मैम। हाँ जी, हो गया आपका? मैम हो गया। 1 by 2 log mod x minus 3 divided by x plus 1 plus 3। ठीक है। Next 12। मैम मेरा है। किस कंपनी में आने लगेगा मुझे? नो मैम मेरा है। मेरे को पता ही चल रहा है। तो मैम अंजलि। हाँ जी अंजलि बताइए। upon root 3 tan inverse 2x minus 1 upon root 3 plus c। Next 13। किसका था? अजात का था, लीव कर गया फिर। 14 log x। मैम मेरा है। हाँ जी ऋषिका बोलिए। मैम x log x minus x plus c आया। x log x minus x great by parts में आया। तो बहुत इजी दिया था। Next मेरा है। छाया का? छाया। तो छाया yes, मैम ने तीन ही पुट हो रहा इसमें, तीन ही पुट हो रहा। अरे x की पावर 4 का स्क्वायर कर लेती तो x की पावर 4 को t पुट कर लेती, 4x cube dx dt बन गया था, तो 2x cube dx dt by 2 बन जाता ना छाया, 1 upon 2 बाहर आ जाता, ऊपर dt बन जाता, नीचे 4 plus t square बन जाता, ले हो गया मैम। चलिए कोई बात नहीं, इन सब क्वेश्चंस को दोबारा से लगाना कल क्लास में बैठने से पहले। ये देखो एक तरह से 22-23 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाते इस तरीके से। नेक्स्ट किसका है जी? पूजा का। पूजा डन, टेन में बनेगा ग्रेट। नेक्स्ट 17 दीपांशु है। दीपांशु ये दे रहा है कि अगला दे रहा है? बहुत सिंपल था बच्चों, कौन कौन बोलेगा? अभी ना बोलेगा log x को t पुट करा। यस मैम। 1 upon x सत्यम dx dt क्वेश्चन हो गया। अंडर रूट dt में ले लो t स्क्वायर माइनस 5, बताओ हो जाएगा अब आइडेंटिटी लगा के? ओके ऋषि का ये देख, ये किसका है? 12th नहीं 18th। बच्चों tan को पुट करा होगा सेकंड स्क्वायर इसका डेरिवेटिव है। यस मैम। ठीक है, so this was all about questions। तो कुछ समझ आया? मेरा आंसर रह गया था मैम। ये जो आपने ये sin 2x cos x वाला दिया है, ये वाला बताने, ये वाला कैसे होगा? ये 6 वाला था, ये किसका था? ये कोई बोला नहीं ना इस पे। मेरा आंसर भी रह गया था। कौन सा? मेरा था थर्ड। थर्ड का बच्चे इसमें तो सिंपल है, 2 माइनस x का ऑलरेडी होल स्क्वायर दे रखा है, तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा होगा, लेकिन x का माइनस 1 आया होगा नीचे। मैम मेरा भी रह गया क्वेश्चन नंबर 13। 13 तो कोई बोला नहीं उस टाइम पे। मैम मेरा था, माइक ऑन नहीं हो रहा था। आंसर है मैम 1 अपॉन में 8 log mod of 2x plus 1 अपॉन में 2x plus 5 plus c। ठीक है ओके okay, ये वाला बोल रहा ना 6 वाला। यस मैम। मैम मेरा था, नहीं हुआ। किसका था? राहुल का। राहुल ये देखो क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन करना है, ऊपर है cos 2x नहीं sin 2x cos x, और डिनोमिनेटर में क्या है? अंडर रूट ऑफ 9 माइनस कॉस की पावर 4x, राइट? तो बच्चों कुछ नहीं है, कॉस के x को t पुट कर लो, तो 2 cos x माइनस sin x dx, dt हो गया,
यस मैम। तो अल्टीमेटली आपको ये पता चल गया कि ऊपर ये cos x का मतलब ये रूट टी बना फिर। यस मैम। राइट। और नीचे अंदर नाइन माइनस टी स्क्वायर बन गया, माइनस आ गया और dt हो गया। ऐसा ही दिखा होगा। यस मैम। अब क्या सोचोगे? रूट होल में कर सकते हैं। रूट को क्या लेके जाएंगे? प्लस थ्री माइनस थ्री करेंगे। प्लस थ्री रूट टू मतलब प्लस थ्री माइनस थ्री करेंगे क्या रूट में? एक सेकंड, मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ होगी, देने में लिखने में गड़बड़ होगी। यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी, तो शायद हो जाएगा। फिर cos square 2x को ठीक पुट करेंगे। हाँ, फिर यहाँ पे भी अगर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो cos square tx 2x को बना, ये 2x आ गया, ये भी 2x, ऊपर तो डेरिवेटिव बन गया पूरा का पूरा, तो माइनस वन अपॉन टू डी टी और नीचे टी स्क्वायर। अब तो हो जाएगा राहुल ना? यस मैम। ठीक है, वो लिखने में स्टेटमेंट गलती हो। तो बच्चे इसके बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छे से, क्या कहते हो? ओके। एक बार जस्ट गिव मी अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। प्लस टू का मैम लिख कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, जिनको लिख कर हैं। मैम आपने मेरी मॉड्यूल शो कर दूँ एक बार आप लोगों को। मैम आपने मेरी अटेंडेंस के रिगार्डिंग मतलब कॉल वगैरह आया था, बात हुई थी क्या? नहीं मेरे पास अभी कुछ नहीं आया। ओके तो बच्चे यहाँ तक एक बार सुनो, सब होमवर्क सुनो, मैं मॉड्यूल में से अभी बता रही हूँ, यहाँ तक सब ट्राई करके आएंगे अच्छे से, और कल वाली क्लास हर्षी सर के साथ होगी, वो आपको पार्शियल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे, ठीक है जी? ओके। इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर लॉग एक्स। यस मैम। 2 की पावर लॉग एक्स क्या करोगे, कहां से उठाएंगे क्वेश्चन?